आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ के, इफ इट इज कट इनटू फोर पीसेज एज शोन इन द फिगर, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस नाउ। बोला गया एक बार मैग्नेट को जैसा आपको यहाँ पे फिगर के अंदर शो किया गया, इस प्रकार से जो है फोर पीसेज के अंदर यहाँ पे कट किया जाता है, एंड जो पोल स्ट्रेंथ जो थी बार मैग्नेट की पहले वो आपके पास क्या थी, तो अब जो है यहाँ पे ईच पीस जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी वो जो है यहाँ पे आपको बताना है इसको कट करने के बाद। सो देखिए आंसर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है बार मैग्नेट की। सो पोल स्ट्रेंथ जो होती है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले तो वो डिपेंड करती है जिस मटेरियल से वो बार मैग्नेट बना उस मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि मटेरियल ऑफ मैग्नेट, मटेरियल ऑफ मैग्नेट के ऊपर ये जो यहाँ पे डिपेंड करती है एक तो, दूसरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके ऊपर यहाँ जो डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। फिर आप बोलते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट, यहाँ पे आपको बार मैग्नेट दिए गए तो किस पर डिपेंड करेगी, बार मैग्नेट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आप डिपेंड करेगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है। सो अब देखिए इन दो चीज़ों के ऊपर ये जो यहाँ पे डिपेंड करेगी, अब यहाँ पे आपके जो मैग्नेट दी गई है उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी कितनी दी गई है, के दी गई है। तो अगर आप इस मैग्नेट को इस प्रकार से यहाँ कट करते हो, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट में यहाँ पे जो इसको रीड्रॉ करता हूँ, तो मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट इस प्रकार से, तो अगर आप इस मैग्नेट को जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कट करते हो इस वाले पार्ट में इसे, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा मैग्नेट का, ये इधर इधर से ही है और इधर से आपके पास ये, तो या इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेक्शन नॉट चेंज, इस कंडीशन में आपके पास क्या नहीं होगा, इस कंडीशन में आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप जो है मान लीजिए आपके पास ये जो है बार मैग्नेट थी और आप जो है इस बार मैग्नेट को कुछ इस प्रकार से जो है, ये मान लीजिए आपके पास बार मैग्नेट है और अगर आप जो है इसको इस प्रकार से कट करते हैं तो यहाँ से अब क्या होगा, देखिए अब आपके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो गया और कितना हो गया, देखिए ये इधर वाला आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था तो हमने इसको इस प्रकार से बीचों बीच यहाँ पे कट किया, तो ये अगर आपके पास के है टोटल इसका एरिया, मतलब कि जो टोटल पोल स्ट्रेंथ आपके पास ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ऊपर वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास अलग हो गया, नीचे वाला के अलग हो गया आपके पास, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो क्या हो गया आपके पास, वो जो है दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पे आपके पास जो है कट हो गया, हाफ ऊपर चला गया हाफ जो यहाँ पे नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में उसके यहाँ पे आपके पास पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो आ जाएगी के बाई टू, और नीचे वाले की भी आपके पास हो जाएगी यहाँ पे के बाई टू, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या हो गया, यहाँ से दोनों का आधा आधा यहाँ पे जो हो गया, पहले पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इस प्रकार से, अब ये जैसे हमने इसको बीचों बीच कट किया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है क्या हो गया, आधा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया टोटल का, और टोटल का आधा जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपके पास हो गया, तो ये आपके पास हो गया k/2, और इस कंडीशन में इसकी क्या हो जाएगी, इधर वाले की भी आपके पास k रहेगी और इधर वाले की आपके पास k रहेगी। सो इस प्रकार से इसको जो है चार पीसेज के अंदर यहाँ पे कट किया गया, तो जैसे हमने ऐसे कट किया तो आपके पास जो है क्या रहेगा, पोल स्ट्रेंथ जो है सेम रहेगा दोनों का, ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसी के ऊपर क्या रहेगी, हम पोल स्ट्रेंथ जो वो डिपेंड करेगी, तो जैसे हमने ऐसे कट किया तो यहाँ पे आपके पास रहेगा k के दोनों का सेम, बट जैसे हमने यहाँ पे इस प्रकार से कट किया तो आपके पास कितनी होगी k/2, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास प्रत्येक पीस की जो पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी यहाँ से k/2। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस वो कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, वो हमारे पास यहाँ से हो जाएगी k/2। सो करेक्ट आंसर इज k/2, दैट मीन्स ऑप्शन फॉर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फॉर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन फॉर इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।